क्या आपने जवान मूवी देख ली है? अगर नहीं देखी है आपने जवान मूवी तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। जी हाँ, आप मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं फर्स्ट डे मूवी का शो मतलब मूवी नहीं देख पाई यार, कुछ पर्सनल रीजन थे और इस वजह से मैं सेकेंड डे मूवी देख के आई हूँ। भाई मूवी बवाल है, टोटली बवाल। ऐसा मूवी में कोई ऐसा सीन नहीं है जिसको देख के आप एक्साइटेड ना हो, सस्पेंस में ना हो। पूरा जो माइंड होता है ना उसको हेर फेर कर देती है ये मूवी। तो गाइस बात करते हैं इस मूवी के जवान के जवान की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ SRK यानी शाहरुख खान की। उनका स्टारडम ही इतना बड़ा है कि वो किसी भी मूवी को सुपर डुपर हिट एंड बिग बना देता है। सो बात करें अगर जवान की, जवान मूवी की, तो मूवी आपको 3 पैकेज देती है। जी हाँ, फर्स्ट इमोशनल, सेकंड फुल एक्शन, थर्ड सस्पेंस। जी हाँ, आप मूवी को देखकर 1% अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस सीन के बाद कौन सा सीन आएगा। जैसे कुछ मूवी होती है ना, हम स्टोरी अपने आप में क्रिएट कर लेती है, यार विलन हार रहा है, इसको वो फाइट करके मारेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इस मूवी में। हर पल हर जगह सस्पेंस से भरा हुआ, एक पल के अंदर मूवी किस मोड़ पर चली जाए आप कह ही नहीं सकते कुछ यार। कह सकते हैं कि ये मूवी इन तीनों का कॉम्बिनेशन है भाई। इसके अलावा बात करें मूवी में शाहरुख खान की एंट्री की, तो भाई जो माहौल बनता है शाहरुख खान की एंट्री पर थिएटर में, लोग तालियां चिल्लाना सीटियां बजाए बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। मतलब शाहरुख खान की एंट्री पे ऐसे बवाल होता है, मतलब इस तरीके से माहौल क्रिएट होता है भाई, वो आपको देखने वाला है थिएटर में जाके। साथ ही साथ में आपको इसमें कई लोगों की सरप्राइज एंट्री भी मिलेगी। जी हाँ, जिनको देखकर आपके चेहरे पर आ जाएगी एक स्माइल। साथ ही साथ अगर आप मूवी के एक्शन की बात करें तो भाई बहुत तगड़ा एक्शन इस मूवी का। जी हाँ, जितना तगड़ा जितना एक्शन इसमें दिखाया गया है, मतलब और साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक, क्या बात है। जब भी वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजती है ना एक्शन के साथ में, तो वो एक अलग ही माहौल क्रिएट कर देती है। साथ में शाहरुख खान को आप कहेंगे इस एज में हर रोल को इतने बखूबी से निभाया, क्योंकि इसमें शाहरुख खान ने कई वेज बदले, मतलब कह सकते हैं उनका कई एक रोल है इसमें, एक तरीके से बोल सकते हैं। उन्होंने एक चोर का रोल, उन्होंने एक बुड्ढे का, एक जवान का, एक मतलब हर एज के उन्होंने रोल उसमें इस मूवी में निभाए, तो उनमें उन्होंने इतनी बखूबी एक्टिंग करी है, मतलब 1% आपको ये नहीं लगेगा कि ये रोल शाहरुख खान ने थोड़ा सा कम किया, ऐसा नहीं बोल सकते। हर एक रोल पे उन्होंने इतना परफेक्ट एक्टिंग की है, तो वो देखते बनता है आपको। बाकी इस मूवी में सॉन्ग की बात करें तो सॉन्ग मुझे थोड़े से फीके लगे, बाकी ओवरऑल मूवी की बात करें तो मूवी आपको बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती है। अगर आप शाहरुख खान के ज़रा से भी फ़ैन हैं या उनको मानते हैं, तो भाई ज़रूर जाइएगा मूवी देखने। आपको शाहरुख खान के ऐसे ऐसे रोल दिखाई देंगे और ऐसे ऐसे एक्टिंग, साथ में ये मूवी एक आपको मैसेज भी देती है। जी हाँ, वो मैसेज होता है आपकी नागरिकता का, कि किस तरीके से भारत में रहने वाले या कहीं पर भी रहने वाले जो नागरिक हैं उन पर कुछ, मतलब कहते हैं ना, जान की जो कीमत होती है वो इस मूवी में दिखाया गया है, कि किस तरीके से जो गरीब लेवल के लोग हैं उनको आप किस तरीके से जो ऊपर बैठे लोग हैं वो दबा रहे हैं, वो सिस्टम आपको इसमें देखने को मिलेगा। कुछ कुछ झलकियां इसमें आपको वो भी दिखाई जाएंगी। साथ में इस मूवी की स्टोरी आपको कहीं ना कहीं देखी देखी सी लगेगी। जी हाँ, पर इस पर्दे में यानी इस मूवी में इस स्टोरी को थोड़ा सा अलग से पेश किया गया है। कुल मिलाकर मैं बोल सकती हूँ कि ये मूवी आपका पैसा वसूल मूवी है। जी हाँ, तो इस मूवी को मैं देती हूँ 5 स्टार में से 4 स्टार। देन मूवी बहुत अच्छी है, सो प्लीज़ ज़रूर जाइए और देखिए, इंजॉय करिए। और अगर आप ये मूवी देख के आए हो तो मैंने तो दिए इसको 5 में से 4 स्टार, आप इसको कितने स्टार देखना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर एंड बाय।